दिस इज द गाइडेंस फॉर प्रियंका एंड अंकित फॉर द मंथ ऑफ मे. कैसी एनर्जी आ रही है उनके लिए, कैसा रिलेशनशिप रहेगा, चलिए देखते हैं कौन सा गेटवेज खुल रहा है इनके लिए. प्रियंका एंड अंकित, ड्वेलिंग इन द ट्रूथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ. कोई किसी तरह की लेट गो. तो कुछ तरह का इनका ना एक अवेकनिंग होने वाला है, मतलब कि दे विल फेस सम काइंड ऑफ ट्रूथ इन देयर रिलेशनशिप, इन देयर लाइव्स. और वो चीज शायद इनको बहुत दिन से कुछ चीजें चल रही हैं. देयर आई सरेंडर जॉयफुली टू द सेलिब्रेटिंग. दे नीड टू लेट गो समथिंग क्वाइट पॉसिबली. कुछ दिनों से शायद ये अपने लाइफ में कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे होंगे, कुछ ट्रूथ ट्रूथ होगा उसको इग्नोर कर रहे हैं. बट अब मे का महीना दे विल फोर्स, एक जजमेंट डे आएगा जहां पे यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर एनीथिंग, यू विल हैव टू फेस द ट्रूथ. सब कुछ रियलिटी पता चलेगी. ठीक है, सो डियर एंजल्स कैन वी, देखिए अभी जो क्लैरिटी नहीं है, मून का फेज चीजों को ढका हुआ है ना, मून का फेज हटने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है. सूर्य की रोशनी में हर क्लैरिटी आती है ना, ट्रूथ दिखता है, वही चीज होने वाला है. थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर प्रियंका एंड अंकित डियर एंजल्स फॉर द मंथ ऑफ मे. कैसी एनर्जी आने वाली है उनके लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है. कैन द फैंस प्लीज नो, यस यू कैन नो. न्यू बिगिनिंग आने वाला है, ट्रूथ आएगा, न्यू बिगिनिंग भी आएगा. ये देखो पता नहीं क्या है, ये दो कोर्ट कार्ड्स आ गए हैं. बैक ऑफ द डेक में क्या है, टावर का मोमेंट भी देखो गाइज. तो कुछ तो होने वाला है यहाँ पे, बादल भी गरज रहे हैं मेरे तरफ. बिजली तो चमक नहीं रही है बट बादल जरूर गरज रहे हैं. कुछ तो यहाँ पे होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि स्पिरिट गाइज ने भी बादल को, बादल से इस तरफ कुछ इशारा किया है. यहां पे भी देखो दोनों टशन में है. ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने नेगेटिव अवतार में है, ब्लॉक्ड अवतार में है, ये भी अपने ब्लॉक्ड अवतार में है. तो ये दोनों ब्लॉक्ड अवतार से है वो, तो न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा है कि क्या है. दोनों समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, एक समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, एक न्यू शुरुआत की तरफ है, एक न्यू बिगिनिंग आएगी. जो भी है एक ब्रेकडाउन की तरफ ये लोग दोनों आगे बढ़ रहे हैं. एंड सम ट्रूथ पता चलेगा, कुछ ट्रूथ पता चलेगा, बिकॉज चैरियट पे बैठ के कोई तेजी से कुछ चीज की तरफ बढ़ रहा है और फिर वहां से एक नई शुरुआत होगी, तो होगी भैया. देर इज सम काइंड ऑफ ट्रूथ दैट विल ब्रिंग समथिंग डाउन मे बी. आई डोंट नो वॉट इज गोइंग ऑन विद देम. गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय, फॉर द गर्ल. फ्रस्ट्रेशन है इसको बंदी से. गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल, फॉर द गाई. ये भी जॉय में नहीं है उसको लेके, एक दूसरे के पास आने से काफी डर रहे हैं ये लोग. ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, तभी तो दे आर नॉट सीइंग आई टू आई. नो तभी तो दोनों अपनी, देखो ये बंदा तो दूसरी तरफ ही देख रहा है, ये बंदी तो एटलीस्ट इसके तरफ देख रही है, मगर यहां पे पास आने में दोनों ही डर रहे हैं. ये बंदा तो फ्रस्ट्रेटेड होके दूसरी तरफ देख रहा है, ये बंदी भी परेशान है. अ की ऑफ पॉजिटिव चेंज इन योर रिलेशनशिप इज टू लेट यू, माने कि ये काफी ज्यादा वरिड है. ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड द इजी टाइम्स कीप सरेंडरिंग टू जॉय. कुछ तो चैलेंजिंग डेफिनेटली है जिसके कारण दोनों परेशान हैं. अब देखना होगा कि क्या है. डेफिनेटली आप देख सकते हो कि किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप है, यहाँ पे भी वो परेशान है बंदी. गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय, फॉर द गर्ल डियर एंजल्स. वर्दीनेस इशू, बंदे को वर्दीनेस इशू है. आई डोंट नो, शायद इसीलिए वो पैसा कमाना चाह रहा है बहुत. आई डोंट नो. और द गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल, फॉर द गाय.
गर्ल फॉर द गाय, न्यू अबंडेंस एक्सपेक्ट करो आप। ये बंदा है कि अपने पैसे ही कमाना चाहता है शायद, और ये बंदी का तो डेफिनेटली है कि इट्स अ गुड टाइम फॉर हिम, तो वो चीज़ है क्योंकि ये पैसे कमाएगा तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी फॉर बोथ ऑफ देम इफ दे आर अ कपल ऑफ कोर्स। बट विद दिस टावर कार्ड एंड द क्लाउड्स हियर ऑल्सो, आई थिंक देर इज समथिंग डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, सम ट्रूथ दे विल हैव टू फेस। सो दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दिस पीपल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।